नमस्कार दर्शकों, मैं राजेश पुरी और तुसी देख रहे हो A1 पंजाबी टीवी। खबर गुरदासपुर के दीना नगर के नाल लगते पिंड मकौड़ा पतन तो सामने आ रही है, जिथे कुछ एक पिंडा नू रावी दरिया पार करके जाना पैंदा है, लेकिन ये सरहदी पिंड हाले भी पुल तो वांझे ने। तुहानू दस दिए कि आज़ादी के 75 साल बाद भी इस रावी दरिया से पुल जड़ा है वह नहीं बन सकिया। जे उत्थे दे लोकां दी गल करिए तां उन्हां दा कहना है कि आज़ादी दे मायने उन्हां नू हाले तक समझ नहीं आए, क्योंकि उन्हां दा कहना है कि असी भारत वासी हाँ, पंजाब वासी हाँ, लेकिन असी पाकिस्तान दी सरहद दे नाल रहिंदे हाँ। और मीह दे दिनां च उन्हां नू बड़ियां ही मुश्किलातां पेश आंदियां ने, और सब तो बड़ी गल है कि वह रावी सब तो बड़ी गल यह है कि वह रावी दरिया नू किसे तरह पार नहीं कर सकते, क्योंकि उत्थे पुल जिहड़ा है वह हुण तक नहीं बनिया है, और मात्र एक किश्ती है जिहड़ी उन्हां नू शहर नाल जोड़दी है। लेकिन बहुत वड्डी गल है दर्शकों कि आज़ादी दे इन्ने साल बीत जाण दे बाद भी अपने ही लोग, अपने ही पंजाब दे जिहड़े पिंड ने, और सरहदी पिंडां दी जे गल करिए तां बहुत सारे ऐसे सरहदी पिंड ने जिन्हां नू के हाल तक बेसिक जिहड़ियां सहूलतां ने वह भी प्राप्त नहीं होईयां। और जे बरसात के दिनों की गल करिए बरसात के दिनों काफ़ी सारी दिक्कतां उन्होंने दरपेश आदियां ने, उन्होंने घरां च पानी वड़ जाता है। सड़कों की गल करिए सड़कों का बुरा हाल है, जिस तरक्की की आप गल करते हैं वह तरक्की जी है वह शायद उन्होंने नसीब च नहीं है। जे पिंड वाले की मनीए तो दर्जना तो ज़्यादा पिंड ने जोड़े वो इसे गुरबत के हालातों से जी रहे हैं, क्योंकि वह भारत नालों पूरी तरह टुटे हुए ने, पंजाब नालों पूरी तरह टुटे हुए ने। और बहुत वार लगातार जड़ी है चाहे उत्थे दे विधायक होन, प्रशासन होवे और सरकारां नू, उन्हां वल्लों गुहार लाई गई है कि एक पुल का जिहड़ा निर्माण है वह कर दिता जाए तां कि वह सुखाली जिंदगी जी सकन। लेकिन पता नहीं उन्हां दी आवाज़ जिहड़ी है प्रशासन तक, सरकार दे कन्नां तक क्यों जिहड़ी है वह लंबे समय तो नहीं पहुँच रही। देखते हाँ एक खास खबर। मेरा पिंड भरियाल है जी, इस इलाके में 7 पिंड है जी, उंज तो 14 पिंड है जी। 7 पिंड जिहड़े आ वो इत्थों मतलब भी प्लैनिंग करके पिछे जा चुके हैं जी, क्योंकि इत्थे जिहड़ी आ कोई भी सहूलत ना दी कोई चीज़ है नहीं आ। अज भी इत्थे जिहड़ी नौजवान पीढ़ी आ वो मतलब भी बिल्कुल अनपढ़ आ, क्योंकि एजुकेशन का कोई प्रबंध नहीं हैगा। ये दरिया नू रोज़ क्रॉस करके 12-14 किलोमीटर की दूरी पर जाके बच्चों की पढ़ाई जिहड़ी आ बड़ी मुश्किल है। जिहड़ा इत्थे सेहत सहूलतों का प्रबंध आ वह भी कोई नहीं हैगा जी, कोई डॉक्टर नहीं हैगा, कोई होस्पिटल नहीं हैगा, रब आसरे जिंदगी चलती पई है जी। तो इत्थे जिहड़ी फसल का भी लिजाण का मंडिया तक कोई साधन नहीं हैगा, लोग दरिया के विच दी अपने रिस्क लैके ट्रैक्टर के राही अपनी जिहड़ी आ जिनस जिहड़ी आ मंडिया तक लैके जांदे आ। इस करके सरकार नू असी रोस पक्खों विधानसभा चोणां विच भी बाईकाट करके ये सुनेहा दिता सी कि साडी मुश्किल नू हल करो, साडी वड्डी मुश्किल है कि इत्थे पक्का पुल चाहीदा, पक्का पुल बन जाता साडियां सारियां सहूलतां जिहड़ियां सानू मिल सकदियां, दूर दरेडे जाके साडे बच्चे जिहड़े आ पढ़ाई कर सकदे आ, दूर दरेडे दे होस्पिटलां जाके लोग अपना इलाज करा सकदे आ। इस करके मतलब कि सरकारां नू ये बेनती है, भगवंत मान जी तुसीं कहा कि मतलब ताड़ी सरकार दे मंत्रियां ने इत्थे आ के सानू विश्वास दवाया कि ये पक्का पुल मंजूर हो गया, जे पुल मंजूर हो गया तो इहदी शुरुआत कराई जाए। इस तरह ना होवे कि जिवें पहलियां लुटेरियां सरकारां मतलब कि एक लारे लाए जांदियां सीगियां ते लारियां विच ही साडी जिंदगी गुजारी जांदी सीगी, किते तुहाडे भी ये लारा ही ना रह जाए। इस करके तुहानूं बेनती आ कि जल्दी तो जल्दी इस पक्के पुल की शुरुआत की जाए ता कि जिहड़े लोग है इत्थों प्लैनिंग करते पे आ वो प्लैनिंग करन तों बच जा। आपां दवाई पाउण आए ही स्प्रे करन, इत्थे ते बड़ा औखा लंघणा, मुश्किल ओही पानी पूनी दी है जरा। किन्ने पिंड वसदे पार? पिंड है 5-7 पिंड। किस तरह फिर जांदे उधर? एही बेड़ी रस्ते ही, होर कोई चक्कर नहीं हैगा। किते पुल पल बन जाए, इन्नियां सरकारां कोई नहीं हैगी इधर दी सुनाई सुनुई, ये इलाके का कोई है ही नहीं सुनाई। हाँ जी, मंग ओही ये पुल बन जाए दुनिया सुखी रहे। मेरा नाम गुरनाम सिंह है जी, मैं पिंड धूल का सरपंच हाँ जी। सात पिंड पैंदे जी, छे पंचायत बहुत माड़े हालात ने जी।
कोई सुविधा नहीं, कोई मेडिकल सुविधा नहीं, कोई पढ़ाई की सुविधा नहीं, मिडिल स्कूल है जी। पहला किन्ने पिंड है जी, के इस वक्त किन्ने पिंड रह गए? पहला 14-15 पिंड है जी। तो पहले काफी आबादी होंगी, 10-15 हज़ार आबादी होने के बाद 3,500 रह गई है जी। लोग मजबूरी वजो इधर आ गए जी। कारण सुविधा नहीं जी, सरकार का कोई ध्यान नहीं जी। उधर मतरेई मां वाला सलूक है साढ़े ना जी, बिल्कुल जी बिल्कुल साढ़े ना कोई साढ़े वाल कोई ध्यान नहीं। मेन मुश्किल की है? मेन मुश्किल पुल दी है जी। पुल दी बहुत चिर तो साड़ी मंग है जी। पुल पुल ही वजदी है तो साडा बहुत ज्यादा सुधार हो जाएगा। जो पुल चुकया जांदा तो फिर किदां मैनेज करदे हो? बहुत औखा जी, बेड़ी रस्ते आनू आने पैंदा, बहुत औखा जी। बच्चों वास्ते पढ़ाई वास्ते बड़ा औखा जी। बेड़ी दे हालात किदां दे ने? बेड़ी दे हालात भी माड़े है जी। लोहे दी बेड़ी है इक्को जी। कदी अधिकारी नूं मिले नहीं? असल कई बारी मिले हैं जी, कोई सुनाई नहीं है जी। की चाहते हो की होना चाहिए पहाड़ी एरिया च होंदा जी, उस सिस्टम ना साडा सुधार होया जी। पिछे जी मंत्री कटारू चक जी आए सन, तो कहंदे जी पुल जिहड़ा ओह बात कर दित्ता गया है, ते कोई है कोई लगी तो इट किते? हले तक तो कोई जी ओदा जी ड्रोन वाले आए हे, वो घूम घूम के चल गया जी। हले तो कोई सानू पक्का पता नहीं जी। आस है की बनूगा पुल? आस ते आ गया भी देखो जी, की पता पैसे उधर उधर ला देना, सानू कोई भरोसा ते है नहीं जी हले तक। पैसे दे पाकिस्तान 2-2.5 किलोमीटर दूर है जी। हां जी सर, मैं सुरिंदर कुमार है मेरा नाम, मैं सुजानपुर तों आया। मैं किसी कारण 15-20 दिन तों इधर आ रहा, लेकिन देखण दे विच आया कि ये मकौड़ा पतन जड़ा कदे तो कभी सुनिया नहीं, अं तो ना देखिया, हूँ ये देखने मिले। तो जो अं हालात इतों के दिखे ने, सानू इदा जापया कि जिदा लोग आदिवासी लोग होंगे ने, जिदा मैं उम्मीद है कि आदिवासी लोगों के भी कोई सहूलत हो, लेकिन जेडे 7 पिंड ने सुनने आया कि 7 पिंड ने, 7 पिंड ही मतलब बार्डर एरिया, लेकिन दस ने देखिया कि इन्नी इतने मुश्किल है कि बच्चों की कोई पढ़ाई लिखाई में कोई हानि कोई ज़्यादा कोई मतलब प्रोग्रेस नहीं है, क्योंकि बच्चे बेचारे छोटे छोटे बच्चे बेचारे स्कूलों के पढ़ते पे ने, लेकिन उन्होंने बेचारे कोई वो नहीं है, कोई बेनीफिट नहीं ज़्यादा। लेकिन जेडे दिखने के आया कि जेडे लोगों ने आर पार जाना उनके वास्ते जो पुल आरजी तौर पुल बनया ही वह भी टुट गया, मतलब यानी कि चुक लिया बरसातों के कारण। हूँ ये बेड़ी दिख रहे हो, आप जी दिख रहे हो सारे बेड़ी, बेड़ी के राही लोग आर पार जा रहे हैं, कोई समान मौजूदा समान लैन वास्ते, कोई लोड़ीदा समान लैन जाने वास्ते, किसी की ब्याह किसी का कुछ है, किसी का राशन पानी वास्ते जा रहे हैं, लेकिन लोगों को बेचारे मतलब इन्नी कु मुश्किल है कि बेड़ी के आने पैंदा है, बेड़ी में जाने पैंदा है। अगर ज़्यादा बरसात हो जाए, पानी ज़्यादा आ जाए, तो फिर वो जिधर पार के लोग पार रह जाते हैं, आर के लोग आर रह जाते हैं। जदों कि पानी घट जाए तो लोग आर पार जाते हैं। मंग सरकार की यही है कि सुनने में आया कि इतने पुल का सर्वा किया गया, तो अं तो यही कहने कि सरकार के अगे हाथ जोड़ के बेनती करने, मान मान सरकार के अगे, क्योंकि नवी सरकार बनी है साड़ी, सानू तो बहुत उम्मीदा ने लोगों ने सुनने में आया कि मान सरकार बहुत चंगी है। तो वाकई ही अं मान सरकार के अगे यही बेनती करने कि जो पुल का काम है ये जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए और बना के इन लोगों की जी जिंदगी है ये स्वर्गमय बनी जाए। गुरदासपुर तो लक्की राजपूत की खबर। फ्री लीफ आयुर्वैदिक ऑयल 125 बीमारियों का संपूर्ण इलाज, जिमें गठिया, सर्वाइकल, माइग्रेन अते शरीर विच किसी भी किस्म की दर्द क्यों ना हुंदी होवे, इत्थों तक कि ब्लॉकेज दे नाल बनिया कई बीमारियां दा इक्को एक इलाज है फ्री रिलीफ आयुर्वैदिक ऑयल, यानी कि 125 बीमारियां दा संपूर्ण इलाज। फ्री रिलीफ विजिलैक्स वेट लूज, मोटापे तो परेशान होण दी जरूरत नहीं, वजन घटाओ ते खुश हो जाओ। फ्री लीफ पावर मर्दाना कमजोरी नू खत्म करता है ते नरक भरी जिंदगी विच लियांदा है रौनक। फ्री लीफ पावर, कब्ज तो परेशान होण दी हुण जरूरत नहीं है, कब्ज तो छुटकारा पाउण लई आ गया कब्ज हर चूरन। कब्ज हर चूरन नू अपनाओ ते कब्ज तो छुटकारा पाओ। हुण तक लखां मरीज लै चुके ने फायदा। वधेरे जानकारी लई तुसी संपर्क कर सकते हो
9497484087 नंबर एक बार फिर तुसी नोट कर सकते हो 9478484087।